हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 8-9 आलू मीडियम साइज़ के। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, आधा चम्मच नमक। अब इसमें हम लगाएंगे 3 सीटी मीडियम फ्लेम में। तो आलू को हम उबलने देंगे। तो आलू देखिए अच्छे से उबल चुके हैं, हम ये चेक करेंगे। तो इस तरह से चक्कू की मदद से आप चेक कर सकते हैं, आलू हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। आधा चम्मच जीरा डालें, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी मिर्च, इसे भून लें। अब इसमें डालें 1 प्याज बारीक चॉप्ड करा हुआ। तो यहाँ पर मैंने मीडियम प्याज लिया था। अब इसमें डालें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो प्याज को अच्छे से भूनें। तो प्याज देखिए अच्छे से भुन चुका है। अब हम डालेंगे 2 टमाटर बारीक चॉप्ड करे हुए। टमाटर डाल के टमाटर को भी हमें अच्छे से भूनना है। तो टमाटर के साथ डालें नमक स्वाद अनुसार, इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो टमाटर को अच्छे से भूनें पहले। तो देखिए टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो मसालों को भी डाल के इसमें अच्छे से भूने। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, इसलिए इसे इस तरह से मैश कर लें। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश कर लें, इसे भी भून लें अच्छे से। अब डालें आलू। तो आलू मैंने छील के अच्छे से इसे देखे बड़े टुकड़ों में इस तरह से फोड़ लिए थे। तो इसे मसाले में अच्छे से मिला लें और इसे 1 से 2 मिनट तक भुनने दें इसी तरह से चलाते हुए। अब इसमें डालें 1 कप पानी। 1 कप पानी डाल के इसे इस तरह से चला लें और इसे पकने रखें 5 मिनट के लिए। तो अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए ये पक चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो इसे जब तक पकाएं तब तक उबाल आ जाए इसमें अच्छे से। अब इसमें डालें आधा चम्मच गरम मसाला ऊपर से, आधा चम्मच और डालें कसूरी मेथी। ऊपर से डालने से इसमें अच्छा सा स्वाद आता है। ऊपर से डालें धनिया,